ईमानदार राजकुमार। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके तीन पुत्र थे। अब समय आ गया था कि राजा अपने पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी चुने। राजा ने उनमें से एक को उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्रों को कुछ बीज दिए और कहा, जो एक स्वस्थ पौधा उगाने में सक्षम होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तीनों अपने अपने बीजों को लेकर उन्हें उगाने में लग गए। कुछ दिन बाद राजकुमारों ने देखा कि बीजों में से कोई पौधा नहीं बन रहा, तो उन्होंने अपने लिए सुंदर स्वस्थ पौधे खरीदने का निश्चय किया। एक महीने बाद सबसे बड़ा बेटा एक पौधा लाया जिसमें छोटे छोटे फल लगे थे। दूसरे बेटे ने एक पौधा खरीदा जिसमें सुंदर फूल खिले थे। तीसरे बेटे ने माफी मांगी कि वो कुछ भी नहीं उगा सका क्योंकि उसे मृत बीज मिले थे। राजा खुश हो गया और उसने कहा कि वह परीक्षा में सफल हो गया है। राजा ने कहा कि उसने सभी को मृत बीज दिए थे, लेकिन वे दोनों ईमानदार नहीं थे। वह सबसे छोटे बेटे से बहुत खुश हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नैतिक, ईमानदारी और सच्चाई इंसान को महान बनाती है। कृपया प्रतिदिन ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रियानी मेकर्स।